हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है और एडवर्टाइजमेंट कैसे की जाती है। तो जैसे आप ने थंबनेल से देख रहे होंगे आप कि फेसबुक में अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें, वो हम आज इस वीडियो में सिंपल स्टेप्स में आपको समझाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट हर बंदे को पता होता है कि कैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है आजकल, चाहे छोटे बिजनेस के लिए या बड़े बिजनेस के लिए। हर बिजनेस के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एडवर्टाइजमेंट अगर हमारा अच्छा रहता है तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करता है। तो बहुत सारे टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है। तो वो बिल्कुल कहावत बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आपको एडवर्टाइजमेंट या जो भी आप प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं, और वो उस प्रोडक्ट को जब तक आप पब्लिकली नहीं दिखाएंगे लोगों को, तब तक उनको कैसे पता लगेगा। तो आपको उनको अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे इफेक्टिव तरीके से और बहुत सिंपल स्टेप में और बहुत ईजी वे से आप कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। वैसे तो आपको मालूम है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे न्यूज़पेपर में लोग देते हैं, अब मीडियाज़ में देते हैं, उसके अलावा ऑडियो विजुअल होता है, आजकल ईमेल वाला कंसेप्ट भी है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे पैम्पलेट्स वगैरह बांटना है ना, लीफलेट्स, वर्कशॉप्स, इवेंट्स और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। बट हम आज स्पेशली बात करने वाले हैं क्योंकि आजकल जमाना है गूगल का, तो हर बंदा गूगल से, गूगल की कनेक्टिविटी है। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो यूज़र्स होते हैं उससे कनेक्ट हो पाते हैं। अगर आप यूज़र से कनेक्ट नहीं हो पाते और आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको नहीं दिखा पाते हो, नहीं बता दिखा पाते हो, अवेयर नहीं कर पाते हो लोगों को, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आज के डेट में जो बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, वो होता है सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप हर कोई चलाता है आज की डेट में। तो देखा होगा जब यूट्यूब आप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप या और भी ईमेल वगैरह या इंटरनेट वगैरह चलाते हो, तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मीडिया के थ्रू फ्लैश होते रहते हैं, जिनको आप देखते हो तो इन फ्यूचर में आप को उसके बारे में जानकारी होती है, आप अपने लिए या किसी और के लिए भी उससे आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो आज सिंपल स्टेप में हम बताने वाले हैं कि फेसबुक के थ्रू, फेसबुक आप चलाते होंगे, अगर आप फेसबुक का अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल स्टेप में आप वो भी आप बना सकते हैं, उसका भी एक वीडियो है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखिए सिंपल स्टेप में आप कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और मैक्सिमम ऑडियंस या मैक्सिमम लोगों तक आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंच सकता है, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे कि आप अपना फेसबुक अकाउंट्स पहले लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास फेसबुक आईडी नहीं है तो आप फेसबुक आईडी बना लीजिएगा। जैसे मैं देखिए अभी फेसबुक आईडी में अपने लॉगिन कर चुका हूँ, नॉर्मली ये मेरे फेसबुक आईडी है, देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, राइट साइड पे टॉप में जाएंगे जहाँ पर सेटिंग ऑप्शंस होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, तो आप इसको क्लिक करिए। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, एक नया आपका इंटरफेस या नया आपका विंडो खुल के आएगा। तो देख सकते हैं कनेक्ट विद द पीपल्स हु विल लव योर बिजनेस। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रिएट में जाके यू हैव टू क्रिएट अ पेज। तो सिंपल आप क्लिक करिए क्रिएट पेज में, जो देखिए आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ गया, कनेक्ट योर बिजनेस योर सेल्फ ऑन योर कॉज टू विन वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ पीपल्स ऑन फेसबुक टू गेट स्टार्टेड चूज अ पेज कैटेगरी। तो इसमें से जो भी आप बिजनेस हैं, वो ब्रांड कम्युनिटी ऑफ पीपल के लिए कर रहे हैं, तो आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, गेट स्टार्टेड करिए
और यहाँ पर आपको सिंपली कनेक्ट टू विद द कस्टमर्स, ग्रो योर ऑडियंस एंड शोकेस योर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आप पेज का जो भी नाम देना चाहते हैं, जो आप पेज क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, प्रमोशन के पर्पस के लिए, तो उसका नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस का नाम डाल दिया है। बिजनेस मीन्स ये एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। सो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी उसका पेज का नाम दे दिया, और कैटेगरी इज एजुकेशन। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आप लिस्टेड होंगी, देखिए आप इसमें लिस्ट में बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आप इस लिस्ट में से अपनी जो भी कैटेगरी है वो चूज़ कर लीजिए, जैसे ये एजुकेशन कैटेगरी है जिसका मैं बना रहा हूँ अभी पेज, और कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू में, और कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज या विंडो खुलेगा आपके सामने। देखिए, एड अ प्रोफाइल पिक्चर। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल, जो भी आप पेज बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, उसका प्रोफाइल पिक्चर्स आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो आप के पास पहले से अगर प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, तो मैं ब्राउज करके लगाता हूँ एक प्रोफाइल पिक्चर। तो मैं इसको नॉर्मली अपने ही एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन क्लिक कर देता हूँ। इससे से हमारी प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गई। अब ये आपको अपलोड अ कवर फोटो, जो भी आपका कवर फोटो आप लगाना चाहते हो अपने पेजेस पे, उसका कवर फोटो आप सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने ये कवर फोटो सेलेक्ट किया। तो इस तरह से मेरा ये कवर जो पेज मैंने सेलेक्ट किया है, ये अभी अपलोड हो रहा है हमारे फेसबुक जो के लिए जो क्रिएट कर रहे हैं पेज उसके लिए। और इस तरह से हमारा वो अपलोड हो चुका है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमारा वो पेज नॉर्मली क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये प्रोफाइल पिक्चर मैंने लगाई थी, और ये आप कवर पेज पिक्चर लगाई थी। तो इस तरह से हमारा सिंपल स्टेप में हमारा वेब पेज, यानी कि हमने एक फेसबुक में एक एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए स्पेशली ये पेज बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं हमारे, उनको हम प्रमोशन के लिए यहाँ से ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड टू अ न्यू मैसेज पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पर पेज, इनबॉक्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स, पब्लिशिंग टूल्स और बहुत सारे ऑप्शन हैं। और देख सकते हैं हमारा ये पेज सेट हो रखा है इस तरह से, और इस तरह से हमारा एक नया पेज क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप पेज की सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर अपने वेब पेज की जो भी आपका जो पेज है फेसबुक पेज, उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। और बहुत सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, उसके बारे में डिटेल में और जानकारी आपको आगे देंगे, और इनबॉक्स के अंदर भी आप देखिए। तो इस तरह से दोबारा से आप फेसबुक को लॉगिन करिए, और जैसे ही आप फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो आपका पेज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो आपको अपने फेसबुक में जाने के बाद देखिए राइट साइड में ऑलरेडी वो दिखा रहा है कि आपका ये पेज है, योर पेज, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन वाला दिखा रहा है। मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट। यहां पर दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी ये पेज बन चुका है। आप इसको क्लिक करके
आराम से क्लिक करते हैं तो दोबारा से हम अपने पेज पर जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप में हमारा वो पेज क्रिएट हो गया था। तो देख सकते हैं ये हमारा पेज है, यहाँ से हम जो पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं या और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं आपको बिजनेस पर्पस के लिए, एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए, आप यहाँ पर वो लगा सकते हैं। चाहे आपने बैनर्स बना रखे हों, पैम्पलेट्स बना रखे हों, लीफलेट्स या पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स, जो भी है। देखिए आप यहाँ पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, यहाँ पर विंडो ऑफर्स, और देखिए देख सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के बैनर्स हैं। और यहाँ पर देखिए हमने एक बैनर में बूस्ट पोस्ट आ रहा है, तो बूस्ट पोस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी है उसको बूस्ट प्रमोट कर सकते हैं आप। तो बूस्ट पोस्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आप मैक्सिमम ऑडियंस को पीपल्स तक आप पहुंच सकते हैं और आपका एडवर्टाइजमेंट उन तक पहुंच सकता है। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो देखा होगा राइट साइड में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो आप इसको, आपका एडवर्टाइजमेंट भी लोगों को दिखेगा। जैसे मैंने कहा कि जो दिखता है वही बिकता है, तो इस तरह से हम यहाँ से मैक्सिमम कम्युनिटी को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ड्यूरेशन डाल सकते हैं, कितने दिन तक आप ये दिखाना चाहते हैं पेज, किस डेट से लेकर और कितने लोगों तक आप पहुँचेंगे। तो पर डे का आ रहा है कि 510 से लेकर 1500 तक पहुँच सकते हो, और जस्ट फॉर द 400 रुपीज़ ओनली, तो 400 रुपये आपको पे करना होगा उसके लिए, और जिससे कि आपको 1500 लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आपको पर डे 1500 लोगों को ये आपका जो पेज है वो दिखाई देगा फेसबुक के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए नीचे आप बूस्ट में जब क्लिक करेंगे, और बूस्ट में क्लिक करते ही आपका जो भी आपकी सेटिंग है 5 डेज की, 3 डेज की, 2 डेज की, वो आप कर सकते हैं। और इस तरह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ एंटर करनी होगी। अगर जीएसटी नंबर है तो ठीक है, पैन नंबर्स डाल सकते हैं, नेम और डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू करके आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका ये पेज जो होगा मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाएगा सिंपली। जैसे मैं होम में करता हूँ फेसबुक में, ये मेरा फेसबुक अकाउंट्स के अंदर हूँ अभी मैं, तो देख सकते हैं आप बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने बूटस्ट्रैप किया नहीं है इसको, तो क्लेम क्रेडिट के लिए बोल रहा है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी एक ऊपर एडवर्टाइजमेंट वो फेसबुक पेज मेरा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही ये जो भी मैं इसको जब प्रमोट कर दूंगा तो कितने मैक्सिमम लोगों को ये पहुंच सकता है। अभी इसको मैंने बूस्टअप नहीं किया तो 62 लोग के पास ये एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी जा रहा है फ्री में। देख सकते हैं नीचे भी आ रहा है लिमिटेड पीरियड ऑफर्स, मींस मैंने ये डाला हुआ है और ये पेज इस तरह से दिखाई देगा आप। और डेली बेसिस पे आप डिफरेंट टाइप के अपने बैनर्स को चेंज या पैम्पलेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल स्टेप में आप समझ पाए कि कैसे हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं इसके थ्रू। तो आप देखा आपने कितने सिंपल स्टेप में आप फेसबुक के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक आप रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं और अपने एडवर्टाइजमेंट को पहुंचा सकते हैं। तो जिस तरह से लोग देखेंगे आपके एडवर्टाइजमेंट को और आप जो भी ऑफर्स होंगे आपके, जो भी आपके फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी लोगों के लिए आपने इंस्टीट्यूट जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं या बिजनेस बनाया हुआ है, तो मोस्टली छोटे बिजनेस वालों के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ये हो सकता है ये प्रमोशन फेसबुक के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।